सो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के मैच के बारे में, जो है 15 मई 2024 को। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फैंटेसी टिप्स के बारे में, ड्रीम इलेवन की प्रेडिक्शन, जो कि प्लेइंग इलेवन है हमारी, उनमें से हम छाट कर प्लेयर गिने चुने लेंगे और उससे आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं और जीत सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये रही पूरी प्लेइंग इलेवन जो कि ड्रीम इलेवन में आपकी हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर। तो विकेट कीपर में है हमारे पास संजू सैमसन, और फिर बैटिंग में हमारे पास रायल रूसो, जिन्होंने पिछली बार 100 बनाया था, तो आप इनको जरूर ले सकते हैं। और फिर है आशुतोष शर्मा, जो कि फिनिशिंग टच देते हैं बाद में, और उनके साथ शशांक सिंह भी है, जो कि फिनिशिंग में आते हैं और काफी अच्छा स्कोर बनाते हैं। और फिर है हमारे मेन रियान पराग, है कैप्टन इस प्लेइंग इलेवन के, जो है कैप्टन इस ड्रीम इलेवन के प्रेडिक्शन के, तो आप इनको जरूर ले सकते हैं। पूरी फॉर्म में चल रहे हैं और राजस्थान के लिए बैटिंग करते हैं ना, तो आप इनको जरूर। और जो पांचवे बैट्समैन है वो है टॉम कॉलर कैडमोर, तो आप इनको भी ले सकते हैं, ये राजस्थान रॉयल्स से है, इनका क्रेडिट्स भी कम है तो आपको काम आ सकता है। तो ये रहे हमारे बैटिंग लाइनअप। तो अभी बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो अभी ऑलराउंडर्स में है हमारे पास सैम करन, जो कि कैप्टन है पंजाब किंग्स के, और जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस प्लेइंग इलेवन में वो है रविचंद्रन अश्विन, जो कि वाइस कैप्टन है, जो कि है रविचंद्रन अश्विन जो कि वाइस कैप्टन है, आप इनको ले सकते हैं। ये बैटिंग में बॉलिंग में दोनों में अच्छी फॉर्म में है, तो आप इनको ले सकते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको बताऊंगा बॉलर के बारे में। सबसे पहले आते हैं अर्षद पटेल, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, और सेकेंड है आवेश खान, जो कि वो भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, और नेक्स्ट है संदीप शर्मा, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, आप इनको ले सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं। सो गाइस ये थी हमारी आज की ड्रीम इलेवन की प्रेडिक्शंस। अगर आप विनिंग जीती तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये 100% गारंटी नहीं है। सो गाइस अगर आपको हमारा प्रेडिक्शन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जाते जाते कमेंट में बताने जाना क्या क्या जीता और आपको कैसी लगी हमारी टीम। तो मिलते हैं आपको अगले मैच प्रेडिक्शंस में।